हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, और आज का हमारा वीडियो डिफ्रेंशिएशन पे होगा। जैसा कि आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर चल रहे हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन के ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आज भी हम डिफ्रेंशिएशन के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16, यानी ये दो क्वेश्चंस आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चंस दे रहे हैं एक वीडियो में, तो ज़्यादा समय लेने की प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोनों जो हमारे होंगे क्वेश्चन 15 और 16 वो कब के होंगे, वो दोनों 2008 के पहले एग्जामिनेशन के होंगे, यानी एनडीए जब 1 और एनडीए 2 होते हैं उसमें से एनडीए 1 के ये होंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 को बताते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि इफ x इक्वल टू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी एंड y इक्वल टू टी साइन टी प्लस कॉस टी, तो आपको पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू सॉरी एट t इक्वल टू पाई बाई टू पे, यानी t इक्वल टू पाई बाई टू पे आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है x का है और ये y है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि x जो है हमारा t का वेरिएबल है और y भी है हमारा t का वेरिएबल है, लेकिन हमें यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो एक काम कर सकते हैं, हम dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये डी टी से डी टी कर जाएगा, डी वाई डी एक्स हमारा पहले की तरह आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम क्या करें डी वाई बाई डी टी को, यानी वाई को टी के रिस्पेक्ट में और एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डी वाई डी एक्स हमें निकल जाएगा। तो चलिए इस काम को करते हैं। तो डी वाई डी टी यानी वाई को क्या करना है, हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और वाई हमारा टी का फंक्शन दिया गया है, तो टी इंटू क्या है, साइन टी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी इंटू साइन टी करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले टी बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, और साइन टी का करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे और कॉस हमारा बाहर आ जाएगा, और हमारा टी का क्या हो जाएगा, सिंपल वन हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे की ओर, प्लस हमारा क्या है, कॉस टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी, यानी सिंपल कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी होता है, हमने वही लिखा है यहाँ पे। नीचे एक्स को क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, करते हैं, साइन टी है तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, माइनस का साइन है इसमें तो माइनस रहने देंगे। फिर टी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक काम करते हैं टी को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी, तो एक काम करते हैं इसको सिंपल इसको साइन टी लिख देते हैं, और माइनस को यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या बच गया, फिर हमारा हो गया, अब माइनस साइन यहाँ पे भी रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, अब इसको समझिएगा, ये माइनस इसलिए रह जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, और ये टर्म हमारे माइनस आ रहे थे, तो इस कारण से हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन करना आप सीखिए, समझ गए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में हमारा क्या हो जाएगा, फिर कॉस टी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और टी का सिंपल क्या हो जाएगा, आपका वन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा माइनस टाइम्स ऑफ ये कॉस है, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस टी, और यहाँ पे प्लस टाइम्स ऑफ कॉस टी, ये दोनों कट जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर हो जाएगा टी इंटू कॉस टी प्लस में कॉस टी माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे नीचे अपॉन में हो जाएगा हमारा टी टाइम्स ऑफ साइन टी, क्या हो जाएगा, टी टाइम्स ऑफ साइन टी हो जाएगा, यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके बाद हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखेंगे। एक काम करते हैं, देखते हैं शायद हमसे कुछ और गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, देखते हैं यहाँ पे हमारा, चलिए यहाँ पे हमारा साइन टी था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, सिंपल यहाँ पे कॉस टी लिख दिया था, क्यों, क्योंकि अगर आप समझिएगा, अगर टी साइन टी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी हमारा पीछे आ जाएगा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, फिर साइन टी हमारा पीछे चला जाएगा ना, साइन टी पीछे चला जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये साइन टी से हमारा ये साइन टी यहाँ पे अब आपका कट जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको इसका पीडीएफ जब देंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ सके, ये साइन टी हमारा कट जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको, नेक्स्ट पेज में हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो डी वाई डी एक्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा टी कॉस टी, नीचे बच जाएगा आपका टी साइन टी, ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा टी इंटू कॉस टी, नीचे बच जाएगा टी इंटू साइन टी, ठीक है, ये टी से आपका टी कट गया, यहाँ पे वैल्यू हो गया हमारा सिंपल कॉट टी, क्या हो गया आपका, कॉट टी हो गया, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स आपको क्या निकालना है, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है कहाँ पे, एट टी इक्वल टू पाई बाई टू पे, यानी टी इक्वल टू
पाई बाई टू पे। तो यहाँ पे कॉट के जगह पे क्या डाल देंगे, कॉट टी के जगह पे पाई बाई टू डाल देंगे, और कॉट पाई बाई टू क्या होता है, वैल्यू हमारा जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस कर दिया रहेगा तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको इतने कह सकते हैं कि कंसेप्ट आपको बता देंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे अभी तक के, ताकि क्या होगा लगभग आपके जो डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस हमारा यही कहना रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, तब जाके क्वेश्चन नंबर को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। लिखा जा रहा है वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स आपका वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें y का जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है, यानी y है x का फंक्शन और हमें dy बाई dx को निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का साइन देंगे, और साइन वर्स यह है हमारा, तो इसको क्या करेंगे सिंपल, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन और फंक्शन से। तो ये जो हमारा है किसका फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये पहले हमारा साइन वर्स x की तरह डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन वर्स x यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इनटू में हमारा ये जो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, तो पहले हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो ये हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन वर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो ये हमारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो ये x का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको हमने क्या किया इससे डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमारा ये जो है हमारा ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, या फिर चलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस के साइन के साथ x अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 से 1 चला गया, और ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सिंपल यहाँ पे x आ जाएगा बाहर, और फिर इनटू में यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे एक सेकेंड देखते हैं कुछ गलती हो रहा है क्या। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये एक्स से एक्स को भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो हमारा 15 और 16 दोनों यहाँ पे कवर हो चुका है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, सपोर्ट करें, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपके लिए बढ़ा सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।